हेलो दोस्तों, आज आपकी क्लास आ गई। आपका लास्ट सवाल आएगा, नवा सवाल। अब दसवां सवाल होना है। अब दो दसवां सवाल देखें। सवाल नंबर दस में क्या है? देखो, शुरू में लिखना है मानव। मानव बाई बराबर एक्स की पावर एक्स कोज एक्स, एक्स की पावर एक्स कोज एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन। चर की पावर चार है, यानी बाई बराबर बाई वन प्लस बाई टू। ये और मान लो, यानी डी वाई अपॉन डी एक्स और डी बाई वन अपॉन डी एक्स प्लस डी बाई टू अपॉन डी एक्स। जिसे बाई वन माना, पहले उसका कुलन करो, तो वो बाई वन बराबर एक्स की पावर एक्स कोज एक्स। सही है, चर की पावर चर है, तो बिना लॉग के सवाल नहीं होगा। तो लॉग लेने पर, दोनों तरफ लॉग लेने पर, तो लॉग बाई वन बराबर लॉग एक्स की पावर एक्स कोज एक्स। अब लॉग बाई वन बराबर लॉग एम की पावर एन, यानी पावर पहले, इंटू लॉग एक्स। सही है। अब देखो, ये तीन फंक्शन बन रहे हैं। अब कोई से वो फर्स्ट मान लो, कोई से दो को सेकंड मान लो। हमने मान लिया, हमने फर्स्ट मान लिया और इसे सेकंड। दोनों तरफ एक्स के साथ एक्स अवकलन करने पर डी अपॉन डी एक्स लॉग बाई वन। फर्स्ट आंसर रहा है सही, पूरा है देखो। फर्स्ट आंसर रहा है सेकंड का अवकलन लॉग एक्स प्लस सेकेंड ऐसा का ऐसे और फर्स्ट का अपकलन। सही है। अब देखो, लॉग बाई वन का अपकलन वन अपॉन बाई वन और बाई वन का डी बाई वन अपॉन डी एक्स। एक्स कोज एक्स ऐसा का ऐसे लॉग एक्स का अपकलन होता है वन अपॉन एक्स। सही है, प्लस लॉग एक्स। अब देखो, ये फिर दोबारा फर्स्ट बनेगा और ये फिर दोबारा सेकंड बनेगा, तो ब्रैकेट से लगाऊंगे फॉर्मूला। सही, ध्यान रखना। फर्स्ट ऐसा का ऐसे सेकंड का अपकलन कोज एक्स प्लस सेकंड ऐसा का ऐसे और फर्स्ट का अपकलन डी बाई वन अपॉन डी एक्स। भाग की चीज गुणा में और एक्स है, एक्स कट गया, ये आ गया आपका कोज एक्स प्लस लॉग एक्स। ब्रैकेट चालू, एक्स कोज एक्स का अपकलन होता है तुम्हारा कुछ नहीं नोट करने वाला। कोज एक्स का अपकलन होता है माइनस के साइन एक्स प्लस कोज एक्स और एक्स का अपकलन वन। डी वाई अपॉन डी एक्स बाई वन अपॉन डी एक्स बाई वन का मान लगाओ एक्स की पावर एक्स कोज एक्स। देखो इसे लिखो, कोज एक्स प्लस प्लस लॉग एक्स, ये वाला लॉग एक्स ब्रैकेट लगा दो, माइनस के एक्स साइन एक्स माइनस के एक्स साइन एक्स प्लस कोज एक्स नहीं छोड़ दो इसे। डी बाई वन अपॉन डी एक्स का मान निकल चुका है, अब डी बाई टू अपॉन डी एक्स का मान निकालना है, तो इसे तो को नोट कर लेगा, स्क्रीनशॉट कर लेना, इसे साफ कर लूंगा। अब देखो, बाई टू की समान आम है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन। सही है, दोनों तरफ लोग लेने को, वैसे एम स्क्वायर हर से हो जाएगा लेकिन लोग लेने पर तो सिंपल है, दोनों तरफ लोग लेने पर लोग बाई टू लोग एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन लोग बाई टू बराबर। ये फॉर्मूला बन गया तुम्हारा लोग एम अपॉन एन वाला, यानी ये फॉर्मूला होता है तुम्हारा एक लोग एम अपॉन एन, यानी लोग एम माइनस लॉग
एन, फॉर्मूला होता है लॉग एम माइनस लॉग एन। तो देखो लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस लॉग एक्स स्क्वायर माइनस वन, दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर डी अपॉन डी एक्स, लॉग बाई टू डी अपॉन डी एक्स, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस डी अपॉन डी एक्स, लॉग एक्स स्क्वायर माइनस वन। लॉग बाई टू का अवकलन पर अपॉन बाई टू, और बाई टू का डी बाई टू अपॉन डी एक्स, लॉग एक्स का अपॉन वन अपॉन एक्स, वन अपॉन एक्स, और जिसे एक्स माना उसका फिर दोबारा, तो एक्स स्क्वायर का अपकलन टू एक्स और वन का जीरो, सही है, माइनस ऐसे इसका होगा लॉग एक्स का अपकलन वन अपॉन एक्स, और जिसे एक्स माना उसका फिर दोबारा एक्स स्क्वायर का टू एक्स और वन का जीरो, यानी कि डी बाई टू अपॉन डी एक्स। भाग की चीज गुणा में बाई टू इधर आएगा तो बाई टू को मान लगा दो हाथों हाथ, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब देखो यहाँ आते हैं, दो एक्स गुणा वन में होगी तो दो एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस जीरो से जीरो जाओ माइनस माइनस टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन, सही है, डी बाई टू अपॉन डी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन, सही है। और दो इसको गुणा करवाते हैं, इसको गुणा इधर होगी दो इधर दो एक्स स्क्वायर न तीन हो जाओ, दो इधर दो और एक्स के पावर तीन, इससे बन से होगी तो माइनस के टू एक्स। अब इधर होगी तो चिन्ह चेंज होंगे क्योंकि हम माइनस का, तो दो एक्स के पावर तीन, सही है, और प्लस माइनस माइनस, इससे होगी तो टू एक्स अपॉन, इनके आपस में होगी एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब इससे ये कट जाएगा, अब मैं लिख रहा हूँ डी वाई टू अपॉन डी एक्स, इसे ऐसे उतार दो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन, दो एक्स और दो एक्स माइनस के चार एक्स अपॉन, ये देखो फॉर्मूला बन गया, एक बार जोड़ने और एक बार घटाने का, यानी एक्स के पावर फोर माइनस वन, डी वाई टू अपॉन डी एक्स का मान ये आ गया। अब उठा कर रखेंगे हम इसे यहाँ पर साफ कर रहा हूँ, इसे देखो नोट कर लेना, देखो डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई वन अपॉन डी एक्स का मान भी आया तुम्हारा भूल गया, एक्स की पावर एक्स कोज एक्स, यानी कोज एक्स चाहो तो इसकी गुणा कर पाओ लॉग एक्स तो भी सही है ना, वैसे भी सही है, प्लस लॉग एक्स माइनस के एक्स साइन एक्स प्लस कोज एक्स, ये डी वाई वन अपॉन डी एक्स का मान लगाया यहाँ से। अब चिन्ह इसके बाद क्या है प्लस का, और डी वाई टू अपॉन डी एक्स का मान लगा दो, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस फोर एक्स अपॉन एक्स की पावर फोर माइनस वन, यही आंसर होगा। देखो आंसर चेंज होगा तो चेंज करवा दूंगा, ना तो यही कर लेना तो भी सही है। फाइव पॉइंट फाइव का कौन सा सवाल है, दसवां सवाल है, चेंज कर रखा है उसने, चेंज क्या कर रखा है वो मैं आपको बताता हूँ, यानी डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर एक्स के पावर एक्स कोज एक्स, सबसे पहले तो इसमें गुणा करो कोज एक्स प्लस माइनस माइनस एक्स एक्स साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, अब इससे करो प्लस कोज एक्स और ये लॉग एक्स, सही है। अब ये माइनस चिन्ह बाहर निकाल दो, प्लस माइनस माइनस, अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन, और ये फोर एक्स, इसे हम ये भी लिखा रहेंगे जो लिखा है हमने एक्स को चार माइनस वन, इसे चेंज कर दो, चेंज मत करो एक्स स्क्वायर प्लस वन
और एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब देखो इस प्लस वाले से प्लस वाला चला जाओ, डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर एक्स कोज एक्स। अब यहाँ से और यहाँ से कोज कॉमन ले लो, कोज एक्स यानी वन प्लस लॉग एक्स हो जाओ माइनस के एक्स एक्स साइन एक्स लॉग एक्स माइनस फोर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन ही हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस वन ही होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन की पावर स्क्वायर हो जाएगा, ये आंसर होगा। एक और देखते हैं, बिल्कुल सही आंसर है। दो समझ में आया हो तो सवाल वीडियो को लाइक कर दो यानी और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब करो। बन गई वीडियो, अगला सवाल देखो। अगला सवाल थोड़ा फास्ट करेंगे, ज्ञान में होगा। माना माना बाई बराबर एक्स कोज एक्स की पावर एक्स प्लस एक्स साइन एक्स की पावर वन अपॉन एक्स प्लस एक्स साइन एक्स की पावर वन अपॉन एक्स। माना इसे बाई बराबर, इसे बाई वन माना और इसे बाई टू माना, दोनों की पावर चर की पावर चार है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स डी वाई वन अपॉन डी एक्स डी वाई टू अपॉन डी एक्स, सही है। अब देखो जिसे बाई वन माना वो करते हैं, बाई वन बराबर माना हमने एक्स की पावर कोज एक्स की पावर एक्स, दोनों तरफ लॉग लेने पर लॉग बाई वन लॉग एक्स की कोज एक्स की पावर एक्स, सही है, यानी लॉग एन की पावर एन, पावर पहले आ जाएगी, सही है, ये तो होता है फॉर्मूला। अब देखो ये फर्स्ट हो गया और ये पूरा सेकेंड हो गया, कोई कुछ भी ओवरस करते हैं कि एक्स लॉग एक्स को फर्स्ट मान लेते हैं और एक्स कोज एक्स को सेकेंड, लॉग एक्स ये लॉग के साथ एक्स है ये सेकेंड हो गया, सही, दोनों तरफ एक्स के साथ एक्स अवकलन करने पर डी अपॉन डी एक्स लॉग बाय वन डी अपॉन डी एक्स एक्स लॉग एक्स कोज एक्स, ये फर्स्ट ये सेकेंड, सही है, ऐसी तो है लोग बाई वन का आपको वन अपॉन बाई वन, एक काम करो इसे डायरेक्ट फॉर्मूले लगाओ, है ना, फर्स्ट आंसर का आंसर सेकंड का आपको ना, प्लस सेकंड आंसर का आंसर फर्स्ट का आपको ना, सही है, लोग बाई वन का वन अपॉन बाई वन का डी वाई वन अपॉन डी एक्स एक्स, इसे एक्स मान लोग एक्स का आपको वन अपॉन एक्स, जिसे एक्स माना है उसका फिर दोबारा एक्स कोज एक्स का आपका दोबारा, है ना, अरे लॉग एक्स कोज एक्स ये ऐसे ही, और एक्स का कोलन वन, इस वाले एक्स से ये वाला एक्स कर दिया, डी बाई वन अपॉन डी एक्स भाग कीजिए इस गुणा में पूछती है और बाई वन का मान लगा दो, एक्स कोज एक्स की पावर एक्स, सही है, वन अपॉन कोज एक्स या ब्रैकेट में चलेगा, सबके साथ गुणा मारता है ना तभी ब्रैकेट में लेगा, वन अपॉन कोज एक्स। अब देखो फिर ये फर्स्ट होगी आ रही है सेकंड होगी, देखो ब्रैकेट बना लो, फर्स्ट ऐसा लगाया से सेकंड का आपको लगा कोज एक्स प्लस सेकंड ऐसा लगाया से फर्स्ट का आपको लगा प्लस लॉग एक्स कोज एक्स ब्रैकेट बंद। अब देखो डी वाई वन अपॉन डी एक्स ये वाला ऐसे था एक्स कोज एक्स की पावर एक्स यानी एक्स एक्स कोज की पावर एक्स, अब ये देखो वन अपॉन कोज एक्स वन अपॉन कोज एक्स ये एक्स है सब ऐसे, और कोज एक्स का आपको होता है माइनस के साइन एक्स माइनस के साइन एक्स प्लस प्लस कोज एक्स तो एक्स का आपको बन बन प्लस
will have log x, log x cos x, सही है, dy1 upon dx, x cos x की पावर x, अब इसके गुणा अंदर होगा, प्लस माइनस माइनस x sin x upon cos x, प्लस cos x upon cos x, प्लस log x cos x, सही है, dy1 upon dx, x cos x की पावर x, माइनस x sin बटा cos, tan x, प्लस cos से cos कर लियो, cos से cos, ये बन बचा, प्लस log x cos x, सही है, ये आ गया, अभी dy1 upon dx का मान आया, अभी dy2 upon dx का मान निकालेंगे, जो जो साफ कर दो, इसका मान निकालेंगे by 2 बराबर x sin x की पावर बन अपॉन x जो चर की पावर चार है बिना लॉग के सवाल नहीं होगा एक बार मेमोरी देख लेता हूँ सही है दोनों तरफ लॉग लेने पर log by 2 log x sin x की पावर बन अपॉन x देखो लोग m की पावर n हो गया यानी पावर पहले आ जाएगी तो a को dx में ऐसे लिख लेते हैं ठीक है ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर d upon dx log by 2 फर्स्ट ऐसा रहा ऐसे सेकंड का अवकलन log x sin x प्लस सेकंड ऐसा रहा ऐसे x sin x और फर्स्ट का अवकलन log by 2 का अवकलन बराबर अपॉन by 2 और by 2 का dy2 अपॉन dx बन अपॉन x log x का अवकलन होता है बन अपॉन x जिसे x माइनस कर फिर दोबारा x sin x पर फिर दोबारा होगा सही प्लस log x sin x और वन अपॉन एक्स का अवकलन होता है माइनस के वन अपॉन एक्स स्क्वायर ये याद कर लो डायरेक्ट यानी वन अपॉन एक्स का अवकलन होता है माइनस के वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी बाई टू अपॉन डी एक्स बाहर की चीज गुणा में यानी बाई टू यानी वन अपॉन अब देखो ये फर्स्ट हो गया और ये सेकेंड हो गया फर्स्ट ऐसा कहाँ से सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड ऐसा कहाँ से और फर्स्ट का अवकलन ऐसे तार प्लस माइनस माइनस लोग वन अपॉन एक्स स्क्वायर पहले लोग लोग एक्स साइन एक्स सही है एक मिनट देख लो मेमोरी फुल तो ना होगी चलो देखिए वो मेमोरी फुल होगी इसलिए वो खाली करें अब दो बार dy2 upon dx बराबर by 2 को मान लगाओ x sin x की पावर पन अपॉन x और तो इसका अंदर को मान लगा दो यानी कि 1 अपॉन x स्क्वायर sin x 1 अपॉन x स्क्वायर sin x x sin x का अवकलन cos x प्लस sin x प्लस साइन एक्स और एक्स का अपन बन सही है माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर लॉग एक्स साइन एक्स सही है दो साफ कर रहा हूँ सबको ऐसे सब कर चलते हैं dy2 upon dx x sin x
की पावर 1 अपॉन एक्स, इसमें गुणा करवाते हैं, एक्स कोज एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लॉग एक्स साइन एक्स, सही है, स्क्वायर से स्क्वायर कर दिया और साइन से साइन कर दिया, डी वाई टू अपॉन डी एक्स एक्स साइन एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स, सही है, कोज बटे साइन कोट एक्स, कोट एक्स कोज बटे साइन कोट एक्स, यो 1 अपॉन एक्स आंसर का यहाँ से प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ से कॉमन आ गया, यहाँ पर 1 माइनस लॉग एक्स साइन एक्स ब्रैकेट बंद, सही है। अब देखो डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स इसे साफ कर देते हैं, डी वाई वन अपॉन डी एक्स का मान लगाते हैं, एरिया एक्स कोज एक्स की पावर एक्स माइनस के एक्स टेन एक्स प्लस वन प्लस लॉग एक्स कोज एक्स प्लस है डिवाइड अपॉन डी एक्स का मान लगाते हैं, एक्स साइन एक्स की पावर वन अपॉन एक्स कोट एक्स कोट एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर वन माइनस लॉग ई और एक्स साइन एक्स, ये बाई टू को मान लगा दे, बाई वन को मान लगा दे, यही आंसर होगा, चेक कर लेते हैं दोबारा आंसर। एक्स कोज एक्स पावर एक्स वन माइनस टेन एक्स, वन माइनस टेन एक्स, टेन एक्स प्लस दो एक्स कोज एक्स प्लस एक्स साइन एक्स वन अपॉन एक्स एक्स स्क्वायर एलसीएम आ गया सबको, एक्स स्क्वायर एलसीएम आ गया सबको, एक्स कोट एक्स, एक्स कोट एक्स माइनस के लोग वन पहले लोग एक्स कोज एक्स पर यो का रखा हमने और कुछ नहीं रखा, साफ कर रहे हैं। डी वाई पुन डी एक्स, एक्स को एक्स की पावर एक्स, यहाँ पर वन पहले लिख रखा है ऐसा बाद में लिख रखा है, लो एक्स एक्स कोज एक्स सही है प्लस एक्स साइन एक्स की पावर वन अपॉन एक्स, यहाँ से जो सब में ले रखा है ना एक्स स्क्वायर ऐसे हम ले रखा है, एक्स से एक्स स्क्वायर भाग देंगे एक्स बचेगा तो यानी एक्स कोट एक्स, ये ऐसे लिख दो वन माइनस लो एक्स साइन एक्स, ये आंसर है। यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर जब एलसीएम लेंगे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को भाग देंगे तो बनेगा, जब बन के गुणा इस सब में करवाएंगे तो यही आएगा ना, इसलिए यही आएगा, नोट कर लेना। अगला सवाल 12 सवाल, x की पावर y प्लस y की पावर x बराबर 1 क्या है, dy अपॉन dx ज्ञात करना है, इसमें dy अपॉन dx ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे, तो इसे y1 मान लो इसे y2 मान लो, बराबर dy1 अपॉन dx प्लस dy2 अपॉन dx बराबर d अपॉन dx बन, सही है, बन का क्या हो जाएगा जीरो, बन का अपकलन क्या हो जाएगा जीरो,
अब बाय वाले तो ऐसा माना हमने एक्स की पावर बाय को दोनों को उधार लॉग ले लो, क्योंकि चर की पावर चार है, बिना लॉग के सवाल नहीं होगा। तो लॉग बाय वन बराबर लॉग एक्स की पावर बाय लॉग बाय वन बाय लॉग एक्स फर्स्ट और ये सेकेंड, दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर डी अपॉन डी एक्स लॉग बाय वन फर्स्ट आंसर कहाँ से सेकेंड का अवकलन लॉग एक्स, सेकेंड आंसर कहाँ से फर्स्ट का अवकलन, सही है। लॉग बाय वन का अवकलन वन अपॉन बाय वन और बाय वन का डी बाय वन अपॉन डी एक्स बाय लॉग एक्स का अवकलन वन अपॉन एक्स लॉग एक्स और बाय का डी वाई अपॉन डी एक्स डी वाई वन अपॉन डी एक्स भाग की चीज गुणा और बाय वन का मान लगा दो एक्स की पावर बाय बाय अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स और डी वाई अपॉन डी एक्स। अभी डी वाई वन अपॉन डी एक्स का मान आया और डी वाई टू अपॉन डी एक्स का मान निकालते हैं, ये ध्यान निकालते हैं डी वाई बाई टू बराबर बाय की पावर एक्स, दोनों तरफ लॉग लेने पर कोई चर की पावर चर है लॉग बाय टू लॉग बाय की पावर एक्स लॉग बाय टू एक्स लॉग बाय, ये फर्स्ट हो गया ये सेकंड हो गया, दोनों तरफ एक्स को सापेक्ष अवकलन करने पर डी अपॉन डी एक्स लॉग बाय टू फर्स्ट ऐसा कहा सेकंड का अवकलन लॉग बाय प्लस सेकंड ऐसा कहा से फर्स्ट का अवकलन लॉग बाय टू का अवकलन वन अपॉन बाय टू और बाय टू का डी बाय टू अपॉन डी एक्स फर्स्ट ऐसा कहा से, सही है। और सेकंड अवकलन करेंगे तो लॉग बाय का अवकलन वन अपॉन बाय और बाय का डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस लॉग बाय और एक्स का वन डी बाई टू अपॉन डी एक्स भाग कीजिए गुणा और बाई टू का मान लगा दो बाई की पावर एक्स का बाई टू का मान एक्स अपॉन बाई और डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस लॉग बाई, सही है। इतना आया समझ में, जो चीज़ समझ में ना आए वो कमेंट में लिखकर बता देना, सही है। जो साफ पढ़ना मुझे नोट कर लेना इतना। डी बाई वाई अपन डी एक्स का मान लो एक्स की पावर बाई बाई अपन एक्स प्लस लॉग एक्स डी वाई अपन डी एक्स प्लस डी वाई टू अपन डी एक्स का मान लो बाई की पावर एक्स एक्स अपन बाई डी वाई अपन डी एक्स प्लस लॉग वाई बराबर जीरो। अब इसमें गुणा करवा दो एक्स बाई बाई ये एक्स की पावर वन ऊपर आगे माइनस वन प्लस एक्स की पावर बाई लॉग एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, सही है। इतना काम हो तो आ सकते हैं प्लस बाई की पावर एक्स इसमें गुणा होगी तो एक्स बाई ऊपर आएगा तो माइनस वन डी वाई अपॉन डी एक्स, क्योंकि बाई की पावर नीचे प्लस में ऊपर आएगा माइनस में प्लस एक्स बाई की पावर एक्स लॉग बाई बराबर जीरो साफ कर दो। अब देखो गुणा बातें जुड़ जाती है तो एक्स की पावर बाई माइनस वन ये हो जाएगा बाई एक्स बाई माइनस वन प्लस एक्स की पावर बाई लॉग एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस बाई एक्स माइनस वन बाई एक्स माइनस वन एक्स का लिख लो डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस बाई की पावर एक्स लॉग बाई बराबर जीरो। अब देखो जब डी वाई अपॉन डी एक्स का मान निकालना है तो डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन लेना पड़ेगा डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स की पावर बाई लॉग एक्स प्लस एक्स बाई एक्स माइनस वन, सही है बराबर। ये वाली चीज़ उधर भेजनी पड़ेगी जीरो की साइड, तो देखो ये इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में होगी, चूंकि माइनस चीज हम बाहर ले रहे हैं तो क्या होगा देखो बाई एक्स बाई माइनस वन बाई एक्स बाई माइनस वन प्लस बाई की पावर एक्स लॉग बाई। अब देखो ये सब गुणा में है इसके गुणा नीचे भाग में डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का बाई एक्स बाई माइनस वन प्लस बाई की पावर एक्स लॉग वाई, ये तो ऐसे तारेंगे
अपॉन इसकी चीज भाग में, यानी x बाय log x प्लस x बाय x माइनस वन, ये आंसर है। सवाल है बारह, माइनस के बाई एक्स बाई माइनस वन प्लस बाई की पावर एक्स लॉग बाई अपॉन एक्स की पावर बाई लॉग एक्स प्लस एक्स बाई एक्स माइनस वन। देखो बिल्कुल सही सवाल है, बिल्कुल सही आंसर है, सही है, नोट कर लेना, वीडियो शेयर करना यार ज़्यादा से ज़्यादा। साफ कर दे रहा हूँ अगला सवाल। तेरह सवाल, बाई की पावर एक्स और एक्स की पावर बाई, बाई की पावर एक्स और एक्स की पावर बाई। देखो इसमें मान लीजिए जरूरत नहीं है, दोनों साइड अलग अलग है। ये तेरह सवाल है, डीवाई अपॉन डी एक्स का मान ज्ञात करना है, डीवाई अपॉन डी एक्स का मान ज्ञात करना है। ये सिंपल है सवाल, ऐसे लिख लो दोनों तरफ लॉग लेने पर, कोई दोनों तरफ चल के बाहर चल है, लॉग बाई की पावर एक्स लॉग एक्स की पावर बाई। अब देखो पावर पहले आ जाएगी, लॉग बाई बाई लॉग एक्स, सही है। अब देखो इधर फर्स्ट होगी आ रही है, सेकंड होगी, ऐसे इधर ये फर्स्ट होगी आ रही है, इधर सेकंड होगी, दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अपकलन करने पर फर्स्ट आंसर का आंसर सेकंड का अपकलन, प्लस सेकंड आंसर का आंसर फर्स्ट का अपकलन, सही है। ऐसे ही दर होगा, फर्स्ट आंसर का आंसर सेकंड का अपकलन प्लस सेकंड आंसर का आंसर फर्स्ट का अपकलन। एक्स लॉग बाई का अपकलन वन अपॉन बाई और बाई का डीवाई अपॉन डी एक्स प्लस लॉग बाई एक्स का अपकलन वन बाई लॉग एक्स का अपकलन वन अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स और बाई का अपकलन डीवाई अपॉन डी एक्स एक्स अपॉन बाई डी वाई अपॉन डी एक्स। देखो जब डी वाई अपॉन डी एक्स का मान निकालना है ना हमें, डी वाई अपॉन डी एक्स का मान, तो डी वाई अपॉन डी एक्स वाले पद एक तरफ ला कर कॉमन लेना ही पड़ेगा। अब देखो इधर प्लस में इधर आकर माइनस में, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर बाई अपॉन एक्स, ये इधर प्लस में उधर जाकर माइनस में लॉग बाई, सही। यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन आ गया आपका, तो यहाँ बचा तुम्हारा एक्स अपॉन बाई माइनस लॉग एक्स, अब बाई अपॉन एक्स माइनस लॉग बाई। अब दो इसका ऑर्डर भी बन मान लिया, इसका ऑर्डर भी बन मान लिया, आगे चलिए चलो डी वाई अपॉन डी एक्स, इसकी गुणा इधर एक्स आ गया, इसकी गुणा इधर माइनस बाई लॉग एक्स आ गया, इसकी गुणा इधर होगा, इसकी गुणा इसमें आपस में बाई बराबर, इसके गुणा इधर और इसके गुणा इधर, यानी बाई माइनस के इधर होगी तो एक्स लॉग बाई एक्स लॉग बाई अपॉन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। अब गुणा की चीज़ भाग में और भाग की चीज़ गुणा में, तो ये हो जाएगा बाई बाई माइनस के एक्स लॉग बाई अपॉन एक्स एक्स माइनस बाई लॉग एक्स, यही आंसर होगा। तो चेक कर देगा कौन सा सवाल है, तेरह, बाई अपॉन एक्स बाई माइनस एक्स लॉग बाई अपॉन एक्स माइनस बाई लॉग एक्स। देखो क्या करा मैं दोबारा बता रहा हूँ, बाई की पावर एक्स बराबर एक्स की पावर बाई है, दोनों तरफ लॉग ले लिया तो देखो पावर पहले आ जाएगी, सही है। फर्स्ट और सेकंड वाला फॉर्मूला लगाया, सोल्व कर दिया, हेलो आपके। अब देखो डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लिया, ये आपके तो इसकी गुणा इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि ये दो पद ही हैं, दो पद ही हैं, चार पदों में हो जाएगा मान, इसलिए दो पदों में सही जाता, तो इसकी गुणा इधर करवा दे और इसकी गुणा इधर करवा दे, तो ये आ गया। अगर गुणा इसी भाव में पहुंचेगी तो उल्टी हो जाएगी, इधर जाएगा तो बाई ऊपर पहुंचेगा, तो बाई ऊपर आ गया, ये नीचे पहुंचेगा,
सही है। बस एक चीज़ आपसे कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से ज़रूर बताएं, और किसी चीज़ की प्रॉब्लम हो तो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं।